अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉइन मास्टर से एडिटिंग के हवाले से आपको कुछ टिप्स देंगे और कॉइन मास्टर एडिटिंग के बारे में बताएंगे कि हम कैसे इससे बहुत इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज आपको बआसानी मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने गाइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट वन में इसके फीचर्स के बारे में बताया था, एम्प्टी प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में बताएंगे कि इसका क्या फायदा है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को। आपने सिंपल प्रोजेक्ट असिस्टेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने वीडियो का कोई टाइटल लिख लेते हैं, यानी कि कोई भी लिख लेते हैं और क्रिएट वीडियो। तो यहाँ से आप कोई भी इसका जो है वो टॉपिक रख सकते हैं एडिटिंग का। अगर आपको जो है वो कोई और कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। यहाँ से आपने जितनी भी पिक्चर जो है सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने थंबनेल्स बनाए थे तो ये थंबनेल मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं अभी। तो फर्स्ट में आपको मीडिया पर क्लिक करना है। तो मीडिया में जो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो थीम में आ जाएंगे। थीम यहाँ पर कॉइन मास्टर में बेसिकली 4 टाइप्स की थीम है, 4 कैटेगरी की। तो बेसिक में जाएंगे तो बेसिक लग जाएगी, ऑन स्टेज में जाएंगे तो ऑन स्टेज लग जाएगी। यहाँ पर आप ये वाले भी स्क्रीन वाले भी लगा सकते हैं, ट्रेवल वाले भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली मैं ऑन स्टेज पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, ओपनिंग, मिडल और एंडिंग। ओपनिंग का मतलब यह है कि अगर हम हमारी वीडियो का जो हो गया है वो आगाज में क्या आए, तो हम यहाँ पर कुछ भी ले देते हैं, हेलो फ्रेंड्स। तो ये सिंपल आपकी वीडियो का जो बन गया है ओपनिंग, और मिडल में आ जाएगा लेट्स सी, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर एंड पर आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और बैकग्राउंड ऑडियो है तो बैकग्राउंड ऑडियो पर आपने करना है। यहाँ पर आप कोई भी जो है वो वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कोई वॉइस यहाँ से ये है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको प्ले करके चेक भी कर सकते हैं, और फिर आपने लास्ट पर क्लिक करना है तो ये ऑडियो भी एडिट हो चुकी है। सिंपल आपने जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का जो वो है वीडियो क्रिएट कर ली। नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो ये आपके सामने मेन फाइल्स में आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे फिल्टर्स वगैरह, जो टाइमिंग वगैरह जो है वो म्यूजिक सब कुछ इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फिल्टर लगाया, यहाँ पर वीडियो,